झरिया शहरी जलापूर्ति योजना में लेट लतीफी से नाराज धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ सभी विभागों की समीक्षा बैठक की गई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में झरिया शहरी जलापूर्ति योजना का काम में हो रही समस्या और बैंक मोड़ झरिया सड़क की स्थिति जर्जर होने के कारण जल जमाव की समस्या के कारणों का समीक्षा की गई, जिसमें माड़ा के पाइपलाइन के कारण बैंक मोड़ सिंदरी मुख्य सड़क के निर्माण काम में देरी हो रही है। वहीं धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि डीएमएफटी फंड से करीब आधा झरिया शहरी जलापूर्ति योजना को पूरा करने में कुछ समस्या आ रही है, जैसे बिजली के पोल, एनएच डिवीजन की रोड, बीसीसीएल के खनन क्षेत्र और अतिक्रमण की समस्या आ रही है। वहीं डीसी ने सभी को समय सीमा के अंदर काम को पूरा करने का निर्देश दिया। डीएमएफटी फंड से योजना कार्यान्वित हो रही है, जिसमें करीब आधा झरिया शहरी क्षेत्र है जिसमें वाटर सप्लाई होनी है। उनके अलग अलग विभाग में बहुत सारे इश्यूज हैं। एनएच डिवीजन की जो रोड है बैंक मोड़ से लेके दिनोवली झरिया जन आगे जो जाती है, उनके एनओसीज के आरओडब्ल्यू के कई इश्यूज थे। बीसीसीएल के अन्य विभागों के इश्यूज थे, तो उसके संबंध में आज एक कोऑर्डिनेशन बैठक सभी के साथ में रखी गई थी। उसमें भी एजेंसी, जिस एजेंसी का हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो झरिया क्षेत्र में पानी सप्लाई जिनको कहना है, तो कई जगहों पर एनएच के आरओडब्ल्यू में जो इनको जगह दी जानी चाहिए थी, वहाँ चाहे इंक्रोचमेंट है या ऑलरेडी किसी दूसरे विभाग की यूटिलिटी, चाहे वो बिजली का पोल या तार हो या कुछ और है, जिसकी वजह से उनको जमीन नहीं मिल पा रही है। ये जे एम सी का समस्या है और एन एच की ये समस्या है कि उनका आर ओ डब्ल्यू क्लियर होगा तब फिर वो, अभी जो नई रोड कंस्ट्रक्शन उसमें होनी है, मरम्मती होनी है, वो काम कर पाए। तो जिनके यहाँ के जो इश्यूज हैं उसकी डिटेल में हम लोगों ने अभी करीब 2 घंटे बैठक चली है, समीक्षा की है और टाइम लाइन के साथ में जगह वाइज सभी को एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि किस अवधि तक उसको अपना रिजॉल्व। वहीं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि झरिया में चल रहे काम को लेकर समीक्षा बैठक थी, जिसमें एनएच बैंक मोड़ सिंदरी पुरुलिया सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए फिर से सड़क निर्माण होना है। पाइपलाइन शिफ्टिंग के कारण सड़क निर्माण रुका है, इसी को लेकर आज बैठक बुलाया गया था, जिसमें जो कंपनी काम कर रही है उसे बुलाया गया था, साथ जो काम किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता की भी जाँच किया। डीसी महोदय से निर्देश कड़ा दिया गया कि गुणवत्ता की जांच किए बिना कोई भी काम ना हो और जल्द से जल्द काम किया जाए। उसके वजह से बैंक मोड़ सिंदरी सड़क का काम रुका हुआ है। जलापूर्ति योजना चल रही है उसको लेकर, क्योंकि वहां पर सड़क भी बननी है और उस जलापूर्ति योजना में जो पाइपलाइन हो रहा है उसकी वजह से जो है लगातार सड़क की हालत, सड़क तो बने हुए अब 4 साल हो चुके हैं, उसको फिर से बनना है, सब कुछ काम उसकी वजह से रुका हुआ है क्योंकि पाइपलाइन नहीं हो पा रहा है। उसी को लेकर और आज जो कंपनी वहाँ पर जो बदमाशी कर रही है उसके बारे में हमने अवगत कराया कि भाई किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्वालिटी काम नहीं हो रहा है, उसको क्वालिटी चेक किया जाए। तो डीसी महोदय ने बहुत ही जो है उसमें उनको निर्देश दिया है, बहुत ही कड़ा निर्देश दिया है कि क्वालिटी चेक के बिना कोई भी काम नहीं होगा और जल्द से जल्द, क्योंकि उसकी वजह से जो है हमारा एनएच का काम रुका हुआ है। जो मेन सड़क है जो लगातार आप सब न्यूज़ में कवर भी करते आ रहे हैं बस्तकुला एरिया का, वो उसी पाइपलाइन की वजह से रुका हुआ है। तो उन्होंने बिल्कुल कड़ा निर्देश दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए ताकि, और पाइपलाइन में जो है क्वालिटी भी हो उसको पूरा किया जाए और ताकि सड़क जो है बन सके। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। गोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल, तभी तो गोपल कहता है आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो।